आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं द मिलेनियम स्कूल, और आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए यहां पर डायनो फेस्ट रखा गया है, और इसके जरिए बहुत सारी चीजें समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ बाकी चीजें भी काफी ज्यादा जरूरी होती हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में देखा है कि ना सिर्फ नंबरों से बल्कि आपके अंदर जो स्किल्स है उसका होना कितना ज्यादा जरूरी है। और डायनो फेस्ट रखा गया है, तो इसके जरिए डायनासोर के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि डायनासोर की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायनासोर है, और अलग अलग उसके बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर बच्चे पहुंचे हैं, पेरेंट्स पहुंचे हैं, और काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, इस तरीके का इवेंट कैसा लगा आपको? दे आर एंजॉयिंग वेरी वेल। और बताओ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बहुत सारी बातें भी लिखी गई हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो एंजॉय किया आपने? अच्छा है इस तरीके के इवेंट होते हैं। ये लर्निंग एक्टिविटी है, अभी इनको यहाँ पे डायनासोर्स का बिल्कुल नहीं पता, बट ये देख के उनको पता चल रहा है कि ऐसी भी यहाँ की क्रिएटिविटी थी अपने नेचर में। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है, टैटूज वगैरह, आर्ट्स वगैरह, जो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बच्चे हो उनके पेरेंट्स हो, तो काफी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, और डायनासोर के बारे में समझाया गया है। बेटा, एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हैं यहाँ पर, और ओपन एंट्री थी, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से डायनो ये इवेंट रखा गया है उसके बारे में तमाम चीजें यहाँ पर समझाई गई हैं। इसके अलावा जो बाकी पेरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर गेम्स एक्टिविटी रखी गई थी, बहुत सारी गेम्स थी जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनके पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। आप देख सकते हैं एक ट्रैक बनाया हुआ था, रेसिंग ट्रैक है, यहाँ पर तमाम पेरेंट्स ने हिस्सा लिया, टीचर्स ने हिस्सा लिया, और साथ ही साथ बच्चों ने हिस्सा लिया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप स्कूल मैनेजमेंट से हैं, किस तरीके का इवेंट आज का है और कितना एंजॉय बच्चे कर रहे हैं? देखिए, आज का जो टोटली जो इवेंट है वो एक तरह से एक एंटरटेन का, कोरोना के बाद कितनी, मतलब कि हमने बहुत कुछ सहा है, और आज आप देख रहे हैं कितनी भीड़ यहाँ पर है। और ये जो फन गेम्स, एक्चुअली जो अभी आप कह रहे थे ट्रैक, रेस के ट्रैक, ये फन गेम्स, क्योंकि हम मदर्स डे भी साथ के साथ मना रहे हैं। जो जितने भी अभिभावक थी, माताएं अभिभावक थी, वो सिर पर अपना मटके लेके आज रेस लगाई है बच्चों के साथ, और आज बच्चे इतना खुश हैं और माताएं इतनी खुश हैं, और उसके साथ उनके जो फादर है, फादर ने भी आज रेस लगाई है। कहीं ना कहीं इस खुशी को हम कोरोना के दौरान खो चुके थे, और आज वो खुशी जो है हमें फिर दोबारा से मिली है। एंजॉय किया बच्चों ने, पेरेंट्स ज्यादा, बच्चों ने इतना ज्यादा एंजॉय करा। सबसे मेन रीजन क्या था कि बच्चों का सबसे मेन पॉइंट क्या रहता है कि वो बच्चे का एक एक्सक्यूज रहता है, पेरेंट्स हमारे साथ नहीं खेलते। तो यहाँ पे स्कूल में हमने पेरेंट्स को, बच्चों को वो मौका दिया है, चांस दिया है अपने पेरेंट्स के साथ में एंजॉय करने का। बहुत सारी रेसेस हमने कराई, फन गेम्स थे, बस द बैलून था, सैक रेस और मटका रेस, इस टाइप की कुछ रेसेस कराई हैं जिसमें सभी ने बहुत एंजॉय किया। इस तरीके के इवेंट होते रहने चाहिए मैम, काफी ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि मानसिक तनाव को कम करने के लिए इस तरह के फन मेला कहीं भी, इवन हमारे स्कूल में नहीं, बाहर भी होने चाहिए। आपने देखा होगा पिछले समय में बच्चे मोबाइल पर चिपके हुए हैं, उनका जो एरिया है बहुत ही छोटा हो गया है, तो इसको हमने खत्म करके ना यहाँ पर एक फन के रूप में उनकी जो मानसिक तनाव को कम करने का एक ये तरीका हमने अपनाया है। जाहिर सी बात है कि बच्चे सीमित हो गए थे, मोबाइल तक सीमित हो गए थे, मोबाइल में जो गेम्स हैं वहां तक सीमित हो गए थे। जो बच्चे जीते हैं और जो पेरेंट्स जीते हैं उन्हें यहाँ पर प्राइज भी दिया गया है। द मिलेनियम स्कूल जो CHD सिटी करनाल में है, और यहाँ पर जो डायनो इवेंट रखा गया है वहां पर बच्चों से लेकर पेरेंट्स सभी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। सांप सीढ़ी के जरिए भी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है बच्चों की ये शिकायत अपने अभिभावकों से अक्सर रहती थी कि जो पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ नहीं खेलते हैं। इसके जरिए एक मैदान के अंदर बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। जो डायनो इवेंट रखा गया है उसके बारे में तमाम जो अलग अलग स्टॉल है उसके जरिए समझाया गया है कि किस तरीके से डायनासोर के एग रहते हैं, किस तरीके से वो एक पूरे
पूरी प्रजाति थी जो फिलहाल विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारी एक्टिविटीज रखी गई है स्कूल की तरफ से। द मिलेनियम स्कूल जो करनाल में सीएचडी सिटी में स्थित है, प्लस टू तक ये स्कूल है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी यहाँ का रहता है। और आज जो ये इवेंट रखा गया है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं और एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, पेंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बेटा एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए इस तरीके के इवेंट होते रहे? दिस इज वेरी 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 गुड इनिशिएटिव एंड दे गेट टू शो द टैलेंट्स एक्चुअली ऑल द किड्स। जाहिर सी बात है पेरेंट्स काम की वजह से कई बार बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन रविवार का दिन है तो जाहिर सी बात है छुट्टी का दिन है और इस दिन सभी इकट्ठे होने रहने का प्रयास करते हैं। माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो मेरा कचरा है वो मेरी जिम्मेदारी है, और इसके जरिए एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें किस तरीके से कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। जब कूड़ादान के अंदर फेंके या फिर कचरे वाली जो गाड़ी आए उसमें फेंके, ताकि हम अपने शहर को, अपने घर को, अपने स्कूल को, अपने आसपास के इलाके को बिल्कुल साफ रख सकें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर एक कुकिंग कंपटीशन भी रखा गया पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, और ये कुकिंग कंपटीशन इस तरीके से समझाने का प्रयास किया गया कि बिना आग के किस तरीके से तमाम पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैम किस तरीके का इवेंट लगा आज का? सर बहुत मजा आया और फनी था, सब भी बच्चों ने एंजॉय किया एंड दिस इज रियली एंजॉयड इट। क्या क्या इवेंट था ये इवेंट आप बता रहे हैं? ये फायरलेस कुकिंग था, इसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने और मेरे बच्चे ने। तो आप देख सकते हैं बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि ये कंपटीशन रखा गया, ना सिर्फ ये कंपटीशन रखा गया बल्कि एक जो समय होता है उसके साथ जो जोड़ने का एक प्रयास होता है बच्चे को, पेरेंट्स को, जो एक कम्युनिकेशन गैप होता है उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। और आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर बच्चों की पेरेंट्स हैं उन्होंने अच्छी अच्छी डिशेज बनाई है। मैम किस तरीके का इवेंट, कितना मजा आया? काफी मजा आया। इस तरीके के इवेंट होते रहने चाहिए? बिल्कुल होते रहने चाहिए। इट इज वेरी फन टू इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज डे टू डे लाइफ में, अच्छा रहता है, बच्चे एंजॉय करते हैं काफी, आते हैं पेरेंट्स भी एंजॉय करते हैं बच्चों को देख के, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर फायरलेस जो कुकिंग कंपटीशन रखा गया उसमें तमाम जो बच्चों के अभिभावक हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। घर पर भी बहुत सारी कुकिंग रहती है लेकिन यहाँ पर फायरलेस कुकिंग कंपटीशन था जिसमें तमाम जो बच्चों की मम्मियां हैं उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा स्पोर्ट्स कंपटीशन रहा, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। द मिलेनियम स्कूल जो सीएचडी सिटी में स्थित है, नर्सरी से लेकर प्लस टू तक, प्लस टू में सभी स्ट्रीम है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, मेडिकल भी है, नॉन मेडिकल भी है, रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है। और शिक्षा के साथ साथ तमाम जो और स्किल्स होती हैं, चाहे स्पोर्ट्स की हो, सिंगिंग की हो, डांसिंग की हो, एक्टिंग की हो, या फिर और जो तमाम जिसके जरिए बच्चा आगे पहुंच सकता है अपनी जिंदगी में, वो चीजें भी यहाँ पर सिखाई जाती हैं। एडमिशन ओपन है, आप अगर सोच रहे हैं एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं द मिलेनियम स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए द डाइनो फेस्ट पे, जहां पर बच्चे बहुत से पहुंचे हुए, पेरेंट्स पहुंचे हुए एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया किस तरह से यहां पर गेम्स भी रखवाई गई है कि किस तरह से बच्चे यहां पर अपने पेरेंट्स के साथ गेम्स में पार्टिसिपेट करें, सोशलाइज हो बेसिकली, क्योंकि स्कूल में स्टडीज के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी फोकस किया जाता है, क्योंकि कोविड ने हम सबको सिखा दिया कि स्टडीज के साथ साथ हमें अपनी स्किल्स पर काम करना कितना ज्यादा जरूरी है, वही बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है। और सभी यहाँ पर जो स्ट्रीम्स हैं, अगर मैं साइंस की बात करूं, नॉन मेड, मेड और आर्ट्स, कॉमर्स, सभी यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रीम्स मिलने वाली है। तो अगर आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं एक बेहतरीन फ्यूचर के बारे में, तो आप लोग भी पहुंच सकते हैं द मिलेनियम स्कूल, जो कि सीएचडी सिटी में मौजूद है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर द मिलेनियम स्कूल की प्रिंसिपल कल्पना लाठर जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं आज के इस इवेंट के बारे में। तो हाय मैम, क्या कुछ कहेंगे इवेंट
जैसे हमने देखा काफी बच्चे पेरेंट्स सब कुछ सब लोग एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, आप क्या कुछ बताएंगे इस इवेंट के बारे में? फॉर द लास्ट टू इयर्स एवरीबॉडी वाज बिजी फाइटिंग कोविड, वी ऑल वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज, द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स, द स्कूल्स एज सच, द टीचर्स, सो दिस वाज लाइक वन अपॉर्चुनिटी बिकॉज आफ्टर दिस द वेदर विल बी टू हॉट टू हैव एनीथिंग आउटसाइड. So this was one opportunity where we could have interacted with the people in one go and given a platform to the students to move out more freely, to again to feel that vibrancy in the environment ki yes, things are coming back to normal and we are again on the right track. The children basically needed a platform to showcase their talent. For the past 2 years, everybody was sort of cooped up inside their houses. So we decided to have this Dino Fest. Now the thing Dino came to our mind, the simple reason is because these are extinct animals. And in India, we get very less chances to see some life-size models of those extinct animals. And they seemed to be so beautiful in the pictures. So this idea came, let's have some life-size models of the dinos. And plus a skill-based program, life skill-based program is a very important part of Millennium curriculum to showcase what our students would be learning in their life skill program, to showcase those things, to have certain fun games for the parents, to have, we have a cooking without fire competition for mothers, we have certain duo competitions where kids can participate in singing, dancing and ramp walk with their parents. There are fun games, like everybody is enjoying, you can see the vibrancy in the environment. So, मैम स्कूल के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत से पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि हम एक स्कूल चूज करना है अपने बच्चे के लिए जहाँ पर स्टडीज के साथ साथ एक्टिविटीज पर भी काम की, उनके स्किल्स पर काम की जाए. स्कूल के बारे में क्या कुछ बताएंगे बाकी सभी पेरेंट्स को? देखिए, जो माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन आवर टीम ऑफ द मिलेनियम आइट्स. हमारे स्कूल में पढ़ाई हर स्कूल करा रहा है, हर स्कूल का मकसद है पढ़ाई कराना, पर उस पढ़ाई के साथ क्या आप बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर ध्यान दे रहे हैं? कोविड टॉट अस दैट मेंटल स्ट्रेंथ इज नीडेड, इमोशनल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन इज रिक्वायर्ड, एंड वी आर वन स्कूल, आई थिंक द ओनली स्कूल इन द टाउन विच इज टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स. वी रन अ वेरी सक्सेसफुल पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम. करनाल में हम लोगों ने कोचिंग वर्ड को सिनोनिम बना दिया है ट्यूशंस के साथ. कोचिंग इज नॉट अबाउट ट्यूशंस, कोचिंग इज ब्रिंगिंग आउट दैट मेंटल स्ट्रेंथ इन एनी चाइल्ड, एनी अडल्ट. सो वी रन दैट पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रेन विच इज अ वेरी सक्सेसफुल एलिमेंट. देन हम लोग बच्चे को हर जगह, हम लोगों का जो पूरा करिकुलम है वो चाइल्ड सेंट्रिक है. हमारे लिए बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. बच्चे को कितने स्कूल्स हैं जो ये चीज़ फॉलो करते हैं कि थप्पड़ लगाओ और सबको सिखा दो? नो, व्हाई डू यू नीड टू गिव देम अ चॉइस? लेट देम टेक दैट डिसीजन, गिव देम द ओनरशिप ऑफ देयर डिसीजंस. द मोमेंट दे स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ देयर डिसीजंस, दे स्टॉप दैट ब्लेम गेम. आपने हमें नॉन मेडिकल दिलवाया था, आपने हमें कमर्स दिलाया था. आप उनको 7th-8th से यू स्टार्ट डिस्कसिंग वेरियस करियर्स विद देम. स्लोली लेट देम एक्सप्लोर दोज करियर्स, स्लोली ग्रेजुअली बाय द टाइम दे कम टू ग्रेड 10. अभी इतना कन्फ्यूज होता है हम कौन सी स्ट्रीम ले. अरे अगर एक स्कूल बच्चे के साथ 5वीं, 6ठी, 7वीं से काम कर रहा है, बेटा दीज आर द स्ट्रीम्स, दीज आर वेरियस करियर्स, देर इज लाइफ बियॉन्ड ITJEE, देर इज लाइफ बियॉन्ड नीट. पीपल आर सक्सेसफुल इन अदर फील्ड्स, कितने वास्ट एक करियर डेवलपमेंट एरिया बन चुका है. आप बच्चे के साथ वो सब बात कीजिए, बच्चे को वो सब कुछ एक्सप्लोर करने दीजिए, बच्चे के साथ उन चीज़ों पर काम कीजिए. यू विल हैव वेरी सक्सेसफुल सिटीजन्स, यू विल हैव वेरी सक्सेसफुल ग्लोबल पॉपुलेशन, एंड यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन. हम लोग इस चीज़ के लिए इंडियंस बड़े स्केप्टिकल रहते थे, बट कोरोना हैज टॉट अस कि यस, वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिटी. पीपल वर स्टेइंग इन करनाल एंड दे वर लाइक डीलिंग विद क्लाइंट्स इन इंग्लैंड, दैट वॉट दे आर डूइंग एवरी डे. इवन फॉर टीचिंग क्लासेज, पीपल वर इन सॉरी abroad, maybe in south of India, anywhere, and they were taking classes in various parts of the country. So that thing has taught us ki yes, that particular thing is required. Then kisi bhi school ne shayad corona mein apne bachon se baat karne pe time spend nahi kiya hoga, aur us samay bache bhi pareshan hue hain badon ke sath. We were the only school which we were having sessions with the children discussing how they are feeling, what are their problems, what they are going through. So curriculum ke sath sath this separate agenda is required. To agar कोई भी पेरेंट अगर ये चाहता है कि हाँ मेरे बच्चे को एक इंडिविजुअल बच्चा माना जाए, 40 के क्लास का हिस्सा ना माना जाए, कुछ स्कूल से दे हैव अ क्लास स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट 60-65, एक बच्चे को टीचर एक मिनट भी नहीं दे पाती है.
have a small search for a school which is a smaller class size ki teacher aapke bacche ko jane to sahi. पेटीएम में मैंने सुना है कुछ स्कूल्स में टीचर्स कहती हैं बेटा स्कूल ड्रेस में नहीं आया तो वी वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज यू. व्हाई यू शुड नो अ चाइल्ड एंड माय टीचर्स एंड इवन टू सम एक्सटेंट आई वुड से मी आल्सो वी नो आवर चिल्ड्रन वेरी वेल वी हेल्प देम ग्रो इनटू सक्सेसफुल सिटीजन्स. तो अगर आप अपने बच्चे के लिए एक ओवरऑल ग्रोथ का कोई भी एवेन्यू देख रहा है कोई पेरेंट आई थिंक वी आर द बेस्ट प्लेस टू बी इन. तो मैम ने ये बात बहुत अच्छी बोली कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, वो स्टार्टिंग से ही बच्चों से बात की जाती है, उन्हें समझाया जाता है कि किस चीज में उन्हें इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर ध्यान दिया जाता है द मिलेनियम स्कूल में. और अगर मैं इवेंट की बात करूँ तो इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है. सभी पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, बच्चे पहुंचे हुए हैं और ओपन इवेंट है काफी, कोई भी आकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. कुकिंग कॉम्पिटिशन रहा, यहाँ पर सिंगिंग कॉम्पिटिशन रहा, रैंप वॉक रही, तो बच्चों को सोशलाइज करने का एक तरीका था कि पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजें भी काफी ज्यादा जरूरी होती हैं, यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, रिजल्ट भी काफी बेहतरीन यहाँ पर आता है और बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीजों में भी मजे लेते हुए दिख रहे हैं. तो अगर आप भी अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतरीन बनाना चाहते हैं इस तरह से, तो आप लोग भी पहुंच सकते हैं द मिलेनियम स्कूल जो कि करनाल की CHD सिटी में मौजूद है. और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा